नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का एक बैक कवर, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। जिन लोगों को क्रिस्टल क्लियर बैक कवर के ज़्यादा डिमांड होती है, ज़्यादा अच्छे लगते हैं दोस्तों, उनको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगने वाली है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो रैपर है ये मैंने अनबॉक्स कर दिया है, क्योंकि मैंने चेक किया था और कवर पर यूज भी कर लिया, बट वीडियो बनाने के लिए मैंने फिर से वैसा ही इसको पैक कर दिया। तो ये अमेजन का पैकेज है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये देखिए अमेजन का amazon.in। तो ये साइड में करता हूँ। अब ये है दोस्तों इसका बिल, जिसको भाई मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा कि इसकी प्राइस क्या है। देखिए अमेजन का ही है। अब ये है दोस्तों इसका बैक कवर, जो कि है दोस्तों गिफ्ट कार्ड की तरफ से, जो कि दोस्तों एक अच्छी कंपनी है जो बैक कवर बनाती है मोबाइल के। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इसको कवर को। तो इससे पहले दोस्तों मैं यूज कर रहा था ये वाला कवर, जो है दोस्तों स्पाइजन का। इस पर थोड़े ये कलर वगैरह लग गया, तो साफ हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बट दोस्तों मैंने ये काफ़ी टाइम यूज कर लिया, लेकिन अभी भी ये नई क्वालिटी में एकदम प्योर, जैसे कि इसको कोई भी स्क्रैच नहीं है, कहीं से घिसा नहीं है। तो मैंने इस फ़ोन के लिए इसको मंगाया था। अभी दोस्तों ये जो कवर है इस पर अब अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने कैमरे की रिंग जो होती हैं वो अप्लाई कर रखी हैं, तो अगर मैं इस कवर को इस पर लगाऊंगा तो ये रिंग जो है इनमें फिट नहीं आएंगी, फंस जाएंगी। तो मैंने इसी कवर को मंगाया था रिंग को यूज़ करने के लिए, क्योंकि मुझे रिंग यूज करनी थी तो मुझे कवर चाहिए था कटआउट वाला। तो मैंने मंगाया जो गिफ्ट कार्ड की तरफ से एक क्रिस्टल क्लियर, जो कि दोस्तों मैं अब दिखाने वाला हूँ आपको। जैसा कि आप देख सकते हो ये कवर है गिफ्ट कार्ड की तरफ से, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्रिस्टल शॉक प्रूफ फॉर सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। चलिए निकालते हैं इसको। अब इसके ऊपर दोस्तों एक पिन्नी लगी हुई आती है, जिससे इस पर कोई स्क्रैच ना है, वो मैंने इसको हटा दिया था, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया था अभी, तो मैंने इसको दो तीन दिन से यूज कर रहा हूँ। तो अब जब आप इसमें इसको अपने फ़ोन को लगाते हो, अप्लाई करते हो, तो दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। मेरे फ़ोन पे ऑलरेडी एक टेम्पर ग्लास लगा हुआ है दोस्तों, स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं है, टेम्पर ग्लास है जो मोटा वाला होता है, वो अप्लाई है इसके ऊपर। फिर भी दोस्तों देखिए कि ये बैक कवर के जो बेजल्स हैं वो डिस्प्ले से ऊपर निकले हुए हैं, चारों तरफ से देखिए यहाँ से भी निकले हुए हैं ऊपर। यानी दोस्तों अगर आप फ़ोन को इस तरीके से रखते हो तो आपके डिस्प्ले पर कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं आएंगे, क्योंकि ये कवर जो है उठा हुआ है। देखिए इसके जो बटन है टक टक वाले हैं, जैसा कि मैं फील कर रहा हूँ दबाते टाइम, आपको शायद यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, बट आप यूज करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो बटन है एक टक टक वाले बटन है। तो दोस्तों देखिए कटआउट काफ़ी अच्छे दिए गए हैं इस कवर में, पेंसिल कटआउट देखिए, पेंसिल आसानी से निकल आती है, ये देखो और लग जाती है कटआउट। देखो चार्जिंग पोर्ट वाला सब कुछ अच्छे से दिया गया है, और माइक जो स्पीकर है उसका भी कटआउट दिया गया है, माइक का भी दिया गया है। तो दोस्तों अब दिखा दूँ पीछे का साइड, तो आप देख सकते हो ये जो कटआउट है पूरा इस तरीके से, जिसमें आप अपने फ़ोन पर रिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हो, तो आसानी से कर सकते हो। और रिंग लगाने के बाद भी दोस्तों यहाँ पे माइनर सा दोस्तों जो है स्पेस बच जाता है दोनों तरफ से। और ये जो पार्ट है ये वाला, ये उठा हुआ है थोड़ा ऊपर की तरफ, जिससे जब आप अपने फ़ोन को इस तरीके से रखते हो तो आपके कैमरे के ऊपर दोस्तों कोई भी स्क्रैच वगैरह ना आए। देखिए मैं दिखाता हूँ, देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा, जब रिंग मैंने अप्लाई कर दी है तब दोस्तों ये जो पार्ट है इस रिंग के बराबर से है, अगर इस पर रिंग नहीं लगी होती तो कैमरा अंदर की साइड होता और ये ऊपर उठा हुआ होता। बट रिंग अप्लाई करने के बाद भी ये जो हिस्सा है रिंग के बराबर से आ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कवर है दोस्तों। पीछे इसमें हार्ड प्लास्टिक दी गई है, जो पीछे का जो पार्ट है ये हार्ड प्लास्टिक का है, और जो राउंड है ये वाले साइड वाले जी दोस्तों TPU टाइप से हैं, जिससे आपके फ़ोन को एक अच्छी ग्रिप मिल सके और आपका फ़ोन
दोस्तों इसमें ऐसा ना हो कि आपका फ़ोन दोस्तों ज़्यादा दबाव पड़ रहा हो, इससे आपकी डिस्प्ले ख़राब हो। तो ये राउंड है दोस्तों, ये एक टी वी वाले हैं और बैक जो सो इसका हार्ड है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। इस कवर को दोस्तों मैंने अमेजन से परचेस किया है। अब दोस्तों मैं दिखाता हूँ इसकी प्राइस। दोस्तों देखिए ये है इसकी प्राइस, देखिए मैंने इसको मंगाया है, देखिए द गिफ्ट कार्ड अल्ट्रा हाइब्रिड क्लियर बैक केस फोर एम सैमसंग गलेक्सी S24 अल्ट्रा शॉक प्रूफ पे आए। तो इसकी जो प्राइस है जो वो है दोस्तों 369 रुपये। दोस्तों ये 369 इसकी MRP है, और जो मेरा बैंक डिस्काउंट जो मिला था वो दोस्तों आपको पता है कि अब शो होके नहीं आता कि कितना डिस्काउंट मिला था मुझे। तो दोस्तों ये जो कवर मुझे पड़ा है, ये पड़ा था मुझे 340 रुपये का, क्योंकि जो डिस्काउंट मिला था वो, और दोस्तों कुछ पैसे मुझे उसमें मिला था कूपन अप्लाई के। तो इस तरीके से जो मुझे 340 रुपये का पड़ा है, लेकिन इसमें दोस्तों पूरे रेट दिखाए जा रहे हैं जो यहाँ पे मेंशन है। तो 340 रुपये में दोस्तों काफ़ी अच्छा कवर है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है कवर की। आसानी से दोस्तों ये 4-5 महीने से ऊपर चल जाएगा अगर मैं कितना भी हैवी यूज करता हूँ तो। और रही दोस्तों पीले पड़ने की बात, तो दोस्तों जब मैंने इसको वहाँ से परचेस किया था तो वहाँ पर क्लियर बताया गया था कि ये इतनी जल्दी पीला नहीं पड़ेगा जितनी जल्दी और केस पड़े जाते हैं, और शायद पड़े भी ना। तो मैंने इसी वजह से इसको परचेस किया है। 8-10 दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और इसमें कोई भी पीलापन अभी तक नहीं आया है। तो दोस्तों ये कवर आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको जो परचेस करना है तो इसका ख़रीदने का बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।